हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ सिविक्स का चैप्टर टू, जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वो सारी चीजें देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया गया है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है, तो उसे हम एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से थ्योरी के पार्ट पे पूरा देखेंगे, और वाई डेमोक्रेसी में हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है। तो काफी अच्छा चैप्टर होने वाला है, इसमें हमें समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, और उसके बाद में एक ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे हम डेमोक्रेसी का आज के कंटेक्स्ट में। तो यह सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो जो होने वाला है एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन वो अपने साथ में बहुत सारे सवाल लेके आती है। तो वो क्या सवाल है, उनके जवाब क्या होंगे, ये सारी चीजें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो अधिकतर आप पहले भी सुनते आए हैं या फिर जो आपकी बुक में दी गई है और आप लोग पढ़ भी रहे हैं, जिसे जैसे हम सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हमेशा से क्या रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमेशा बुक लेके बैठिए अपने साथ। अब जब बुक लेके बैठेंगे तो उससे क्या होगा कि वीडियो आप देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और वहीं पे आप चीजों को एक साथ रीड भी करते चलिए। जब आप रीड करते चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ऑन स्पॉट डाउट आएंगे, और आप आपके डाउट ऑन स्पॉट कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, ताकि हम जिन्हें बाद में क्लियर भी कर सकते हैं। तो सिविक्स से ही मतलब नहीं है, जब भी आप मेरे वीडियोज देखते हैं तो कृपया बुक लेकर बैठे अपने साथ। स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे क्या है, जो रूलर्स होंगे, दोज रूलर्स वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब लोग उन्हें चूज करेंगे। तो लोगों के द्वारा क्या होगा, लीडर्स को चूज किया जाएगा, रूलर्स को चूज किया जाएगा। ये डेमोक्रेसी की सिंपल सी डेफिनेशन है। समझ आ गई आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल समझ आ गई है। लेकिन ये इसके अंदर कुछ सवाल छुपे हैं। कौन से सवाल छुपे हैं, चलिए आइए ढूंढते हैं हम। सबसे पहले जैसे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये अपने आप में एक सवाल है। रूलर्स, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इलेक्टेड, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और पीपल भी अपने आप में एक सवाल है। आप बोलेंगे ये कैसे सवाल है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो अभी सवाल बन जाएगा। नहीं, उसे मैं समझाता हूं। देखिए क्या होता है, द रूलर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो रूलर्स की आप बात कर रहे हो, तो आप डेमोक्रेसी में बोल रहे हो कि जो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। तो ये जो रूलर्स हैं, ये कौन है? रूलर तो एक राजा भी होता है, ठीक है। अब ये जो रूलर बनने वाले हैं, ये जो लीडर बनने वाले हैं, ये कैसे इलेक्ट होके आएंगे, तो ये भी एक सवाल रहता है। तो सबसे पहले रूलर्स पे क्वेश्चन उठता है कि रूलर्स कौन से, मोनार्क भी होते हैं, डिक्टेटर भी होते हैं, सारे होते हैं। तो डेमोक्रेसी में किस तरह के रूलर होंगे, ठीक है, पहला सवाल ये जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेसी में किस तरह के रूलर होते हैं, तो ये रूलर्स पे एक क्वेश्चन मार्क बनता है। इलेक्शन, अब हम बोल रहे हैं रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इलेक्टेड बाय द पीपल बोल रहे हैं आप, तो ये इलेक्ट कैसे होते हैं? इलेक्ट तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं बोल दूंगा आपके पास इलेक्शन में दो ऑप्शन है, आप लीडर ए को चूज कीजिए या फिर लीडर ए को ही चूज कीजिए। तो आप बोल रहे हैं हमने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन करवाने के बाद में एक लीडर को इलेक्ट किया है। तो अगर इलेक्शन में इस तरह से इलेक्ट करते हैं आप लीडर को कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा? नहीं होगा ना। तो इलेक्शन पे भी एक सवाल उठता है, क्या कि आप जब बोल रहे हैं कि रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो हाउ ही इज इलेक्टेड, इलेक्शन प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया आपने, वो सारी चीजें किस में आती है, इलेक्शन में। तो इलेक्शन कैसा इलेक्शन होगा, किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा, फ्री एंड फेयर है या नहीं है, वो सारी चीजें किस में आती है, वो इलेक्शन वाले सवाल पर उठती है कि इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो हाउ दे आर इलेक्टेड, ये एक अपने आप में सवाल छोड़ के जाती है डेफिनेशन में। आगे देखते हैं द पीपल। अब द पीपल में हम जैसे देख रहे हैं दी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो बाय द पीपल जो बोल रहे हैं, तो द पीपल में क्या सभी लोग आ जाएंगे? द पीपल में तो आप लोग भी आते हैं। अभी आप लोग क्या वोट देते हैं? नहीं देते हैं आप लोग वोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, नहीं देते मतलब क्या, 18 साल से नीचे वाले जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो नहीं देते हैं, अगर कोई ऊपर वाला भी देख रहा है तो वो तो देता होगा। तो द पीपल की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें ये सवाल उठता है कि जो आप बोल रहे हैं रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो द पीपल कौन है, क्या सभी लोग आते हैं, क्या जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, सभी जेंडर के लोग वोट देते हैं या नहीं देते हैं, क्या सभी एज ग्रुप के लोग देते हैं, सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल ये पीपल के साथ भी जुड़े हुए हैं कि द पीपल कौन है और कैसे इलेक्ट करते हैं वो। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बहुत सारी होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जैसे क्या है, अब अगर आप देखें, मान लीजिए भूटान है, तो भूटान में राजा रूल करते हैं,
अब वो राजा क्या बोलते हैं, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री लेकिन हम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं कि राजा सब कुछ संभालेगा। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे भी एक सवाल बनता है कि आप जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो किस फॉर्म ऑफ, मतलब वो कैसा है, किस तरह की गवर्नमेंट है। तो ये सारे सवाल किस में छुपे हुए हैं, ये सारे सवाल छुपे हुए हैं जो सिंपल से दिखने वाली डेफिनेशन है उसमें, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन विच द रूलर्स, तो रूलर्स कौन है, ठीक है, डिक्टेटर मोनार्क या फिर एक डेमोक्रेटिक लीडर कौन, रूलर्स आर इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट हुए हैं ये, बाय द पीपल, तो द पीपल कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस सिंपल से दिखने वाली डेफिनेशन में छुपी हुई है और इस चैप्टर में व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी में हम यही सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सब कुछ है डेमोक्रेसी के बारे में, और ये जो की टर्म्स जो हमने भी निकाले हैं जो छुपे हुए थे उनको समझेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक पाकिस्तान का यूनिक केस देखेंगे जहां पे वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं लेकिन क्या वो रियल सेंस में डेमोक्रेटिक थे, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।